नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। चाहे घर हो या ऑफिस, जहां पर भी दो व्यक्ति साथ में रहेंगे, काम करेंगे, वहां पर कुछ ना कुछ वाद विवाद होना लाजमी है। और ऐसे वाद विवाद ट्रक मालिक और उसके ड्राइवर के बीच में आम तौर पर ही होते रहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पर ये मसले सुलझाए जा सकें। आज की इस रिपोर्ट के बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या ट्रक यूनियंस या एसोसिएशन ऐसे मसलों में कुछ कर सकती हैं या नहीं। ये जो आज की रिपोर्ट है, ये है हिमाचल से, नालागढ़ यूनियन है, काफ़ी फेमस, आप सब जानते हैं, हमारे देश की सबसे कामयाब ट्रक यूनियनों में से एक है नालागढ़ बद्दी ट्रक यूनियन। वहाँ पर एक ट्रक ऑपरेटर हैं पंकज शर्मा, और उसके वहाँ ड्राइवर हैं राजू, जो काम कर रहे थे काफ़ी महीनों से, लगभग एक साल से वहाँ पर वो काम कर रहे थे। राजू का कहना था कि उन्होंने 14 नवंबर 2017 को पवन शर्मा के पास जॉब ज्वाइन की थी और 8000 रुपया उनकी तनख्वाह थी। आम तौर पर देखा जाता है कि जहाँ तो एक फिक्स सैलरी होती है या फिर सैलरी के साथ कुछ ना कुछ ट्रिप के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं के 2-4 हज़ार रुपये दे दिया और उसमें जो बच गया वो ड्राइवर का, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर राजू का दावा ये है कि ऐसा कोई भी इंसेंटिव उनको नहीं मिलता था, सिर्फ 8000 रुपये सैलरी की बात हुई थी। लेकिन कभी भी एक साल के अंदर उनको बकायदा ऐसे प्रॉपर सैलरी नहीं मिली कि ये लो तुम्हारा 8000 रुपया, ये तुम्हारी सैलरी है। उनका कहना था कि जब भी वो ट्रिप पर जाते थे वहाँ पर आके वो पूरा हिसाब देते थे और कभी 500 बच गया, कभी 2000 बच गया, तो वो मालिक को बताते थे और मालिक का कहना होता था कि ये तुम अपनी तनख्वाह समझ के रख लो। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके उनकी सैलरी पूरी हो जाती थी, लेकिन कभी भी एक मुश्त एक बार में 8000 रुपया उनको उनके मालिक ने नहीं दिया, ये राजू का कहना है। तो लेकिन अब क्या हुआ कि 5 महीने की सैलरी उनकी पेंडिंग हो गई, लगभग 40000 रुपया, 40000 रुपया इकट्ठा हो गया, मालिक की तरफ से नहीं दिया गया पवन शर्मा की तरफ से, और 3 महीने पहले, अब से 3 महीने पहले उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। राजू ने ये सोच कर के अगर 40000 हो गया है, अब उनको लग नहीं रहा है कि ये पैसा वापस आएगा और उनको लगता है कि आगे भी वो काम करते रहेंगे तो पैसा फंसता रहेगा, इसलिए उन्होंने वहाँ से अपनी नौकरी छोड़ दी है। मैं नालागढ़ में नौकरी करता था, एक TVS मोटर कंपनी में गाड़ी चलती है, पंकज शर्मा जी के पास, उनके पास नौकरी करी है मैंने 17 महीने, लगभग 42000 रुपये मेरा खा गए हैं वो। आज तक उन्होंने मेरे को वो पैसा नहीं दिया और 4-5 महीने हो गए मुझे नौकरी छोड़े हुए। जब मैंने देखा कि मुझे पैसा मिलने वाला नहीं है तो मैंने नौकरी छोड़ दी। ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसे 5-5 महीने की तनख्वाह अगर मालिक लोग ड्राइवर की मार जाएंगे तो ड्राइवर के बच्चे कहाँ जाएंगे? ड्राइवर का पैसा मालिक मार जाएंगे। इस टाइम हम कितनी परेशानी में हैं, धूप में सड़ रहे हैं, रात को मच्छर खा रहा है, ना दिन में सो पाते हैं ना रात में सो पाते हैं, इतनी गर्मी में बुरा हाल है हम लोगों का। हमारी खून पसीने की कमाई अगर मालिक लोग खा जाएंगे, 5-5 महीने की तनख्वाहें खा जाएंगे, तो ड्राइवर आदमी क्या करेगा और कहाँ जाएगा? किसी भी सरकार ने किसी ड्राइवर के लिए किसी भी तरह का कोई कानून नहीं बनाया है। कोई भी सरकार, कांग्रेस सरकार आती है वो अपना खा पी के चली जाती है, BJP सरकार आती है वो अपना खा पी के चली जाती है, कोई भी सरकार आती है, किसी भी सरकार द्वारा ड्राइवर का कोई भला नहीं हुआ। अब जैसे मेरा ही 42000 रुपया ये पंकज शर्मा जी खा गए तो मैं किसको जाऊं, कौन सी सरकार का दरवाज़ा खटखटाऊं कि मेरा ये 42000 रुपया खा गए और मुझे इनसे पैसे दिलवाएं? कौन दिलवाएगा मेरे पैसे? हमने पवन शर्मा को ट्राई किया, कई बार कॉल की, उनके घर पर फ़ोन उठाते हैं लेकिन वो कभी भी पवन शर्मा जी से बात नहीं करवाते हैं। हमने उनको बोला भी कि ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहे हैं, आप हमें अपना पक्ष बताइए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो बताइए, लेकिन वो फ़ोन पर नहीं आए, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। तो उसके बाद जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि क्या इसमें ट्रक यूनियन कोई रोल निभा सकती है, वैसे तो हमारे देश में ज़्यादातर जगह पर ट्रक यूनियन अब ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन कई जगह पर बहुत अच्छे से चल रही है। हिमाचल उसकी एक बहुत बड़ी उदाहरण है, साउथ इंडिया के बाद बहुत ही अच्छे से यहाँ पर नालागढ़ बद्दी ब्रोटी वाला यूनियन है, हज़ारों ट्रक इसके अंडर हैं, बहुत ही अच्छी यूनिटी है, बहुत अच्छी लीडरशिप है, विद्या रतन चौधरी यहाँ पर प्रेजिडेंट हैं। तो मैंने उनको उनसे बात की फ़ोन पर कि सर जो इस तरह से डिस्प्यूट होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक के बीच में डिस्प्यूट होते हैं, तो उसमें यूनियन का रोल क्या रहता है? अगर कोई ट्रक ड्राइवर आपके पास आए ये समस्या लेकर कि इस तरह से मेरी सैलरी नहीं मिल रही है, तो क्या यूनियन उसकी हेल्प करती है?
क्योंकि इस केस में राजू ने हमें बताया था कि मेरी कोई भी हेल्प यूनियन की तरफ से नहीं हुई है। तो इस मुद्दे पर विद्या रतन जी का कहना था कि कुछ साल पहले उनकी यूनियन ने एक इनिशिएटिव लिया था, एक पहल की थी। उन्होंने अपने तमाम जो ट्रक ऑपरेटर वहां पर मेंबर हैं उनको बोला था कि अपने जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं उनको यूनियन के अंदर रजिस्टर करवाओ। कहने का मतलब उनका डेटा वहाँ दो, फोटो दो, ताकि वो रिकॉर्ड यूनियन के पास रहे और कल को कोई ऐसी समस्या आए तो उसके अंदर यूनियन अपनी भूमिका निभा सकती है। लेकिन उनका कहना था कि ना तो ड्राइवर्स और ना ही ट्रक ऑपरेटर्स ने इसमें कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ली और ये प्लान जो था उनका फेल हो गया। और अब जब कोई भी ऐसी समस्या आती है तो यूनियन उसको ये समझती है कि ड्राइवर और ट्रक मालिक के बीच की बात है, इसमें यूनियन नहीं पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ राजू का ये कहना था कि कई ऐसे ड्राइवर होते हैं जो गाड़ी लेकर भाग जाते हैं या माल बेच देते हैं, उस केस में यूनियन ट्रक मालिक की सहायता करती है, लेकिन जब हम मुसीबत में होते हैं तब ट्रक यूनियन हमारी हेल्प नहीं करती है। इस पर विद्या रतन जी ने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं भी FIR कराने में ट्रक यूनियन ट्रक ऑपरेटर्स की कोई हेल्प नहीं करती है जहां पर ड्राइवर इन्वॉल्व हो, ये गलत है। लेकिन हाँ, उनकी कुछ मजबूरी है कि वो इतने हज़ारों ड्राइवर वहां पर ऑपरेटर हैं और ड्राइवर हैं, उनके मसले नहीं सुलझा सकती है यूनियन। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट टीवी की ओर से गुजारिश करना चाहेंगे, ना सिर्फ नालागढ़ ट्रक यूनियन बल्कि तमाम जो ट्रक यूनियन हमारे देश में अच्छे से चल रही हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, कि आप जब बाकी काम कर रहे हैं वहाँ पर एक कमेटी बना दीजिए जिसका काम सिर्फ ड्राइवर और ट्रक ऑपरेटर के जो मसले हैं उनको मसलों को सुनना और सुलझाने का काम होना चाहिए। 3-4 बंदों की कमेटी हो, महीने में वो 2-3 बार मिले, कोई भी ट्रक ड्राइवर या ट्रक मालिक जाके अपनी शिकायत लिखित में वहाँ रखे और ओपन में सुनवाई हो, और जो भी फैसला वो लोग करें वो सबको माननीय हो। इस तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से, बिना कोई कोर्ट कचहरी या पुलिस के चक्कर में पड़े, हम ये जो घर के खुद के डिस्प्यूट हैं ये यूनियन के अंदर ही सुलझा सकते हैं। इसके बारे में तमाम यूनियन अगर हो सके तो सोचें और ऐसा एक मैकेनिज्म अपने वहां पर बनाएं। ये सब इसलिए जरूरी है कि ट्रक ड्राइवर भी ट्रांसपोर्ट के धंधे के लिए जरूरी हैं और ट्रक मालिक भी। अच्छी बात है कि अगर इनके रिश्ते आपस में अच्छे बने रहें, कोई सिस्टम बना रहे जिससे जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व होते रहें। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।